लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमेशा होता है, एक मासूम की जान गई और दंगा करने वाले बचकर निकल गए। समीर, क्या करो तुम लोग? आज इन लोगों को दिखा के रहेंगे। अरे बाहर निकल दिया, दरवाजा तोड़ो। मगर इन लोगों ने किया क्या है? हाँ, कुछ बिगाड़ा तुम्हारा या कोई जाति दुश्मनी है इनसे? नसीमा, तुम्हें पता नहीं, इन लोगों ने हमारे दुरुस्तों पर ईंटें फेंकी हैं। हाँ, और ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं, हम कायर नहीं। अरे ईंट और पत्थर जवाब देने के लिए नहीं होते, घर बनाने के लिए होते हैं। अरे हट, हमें अपने काम करने दे। तो ये काम है तुम्हारा, बेबस मार बच्चों को डराना धमकाना? अरे इसी काम के लिए अपनी माँ का दूध पिया था, इसी काम के लिए हम लोग घंटों व्यायामशाला में कसरत करते थे। अरे इतना जोश है तो अखाड़े में दिखाओ अपनी ताकत, बॉक्सिंग रिंग में दिखाओ, फौज में भर्ती होकर दिखाओ। सिम्हा, अगर इस जगह मोमिनपुरा के लोग होते और तेरे लोग घर के अंदर होते ना, तो वो लोग यही करते, वो लोग जो हम करना चाहते। तू आ, इस वक्त भी अंदर मेरे ही घर के लोग हैं, और जब तक मैं यहां हूं इनका पाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त ना मैं बजरंगपुरा का हूं और ना ही मोमिनपुरा का, बल्कि सिर्फ एक इंसान हूं। और तुम लोग ना मेरे पड़ोसी हो, ना ही मेरे दोस्त, बल्कि सिर्फ हैफान हो। वो तलवार जो मेरे हाथ से जुड़ गई, वो आज तक निकल नहीं पाई।
जी, जीजाजी, 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 दीदी, दीदी, नहीं बचा सका बेटा, मैं नहीं बचा सका। बहुत मेहनतें की मगर वो 10-12 थे। मेरी टांगों पर लाठियां मार मार कर मुझे नाकारा बना दिया और उसकी इज्जत भी। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? बेटा जब इंसान के अंदर का जानवर जागता है तो अपनी कायर और घिनौनी हरकतों को लोगों की नजरों से छुपाने के लिए भीड़ के रूप में आता है, और उस भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। बेटा उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता बेटा। मीरा, 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 मीरा।